अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं चुनेंगे यार। हम स्टार्ट कर दीजिए डेली व्लॉगिंग, कोशिश कर रहे हैं कि यार डेली व्लॉग बनाए, देखो आप बनते कि नहीं बनते। आज का सीन भी कोशिश है कि यार आज हमने जाने यूनिवर्सिटी, आज हमारा आईजी फाइनल ईयर का वाइवा पता नहीं हो गया है कि नहीं होया, ये नहीं पता, क्योंकि 9:30 का कहा था और अभी हमारे पास 9:28 हो रहे हैं। तो ये कि जल्दी ऐसा करते हैं, निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। बारिश भी लगी हुई और ऊपर से है भी बाइक, तो ये है कि उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट सीधा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी नाश्ता करके मैं इतना लेट हो जाऊंगा कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सीन्स है, एक पढ़ने वाला एक ना पढ़ने वाला, एक पढ़ने वाला एक ना पढ़ने वाला। भट साहब आपकी क्या राय है इस वक्त, आपकी राय क्या है सर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, आज का हमारा दिन जा रहा है। एक लोग हमें ऐड कर रहे हैं, आज पहली मतलब आई फर्स्ट टाइम ही मेरे ब्लॉग में, तो ये हमारा लास्ट वाइवा है जिसने, इसके बाद हम लोग चले जाना है। ये जुबैर ने हमें कब मुंह लगाना है, किधर मुंह लगाना है, ये बार सब सही बोल रहे हैं यार। आज रंग उड़ इसकी वजह ये है कि आज हमारा फाइनल वाइवा है, तो बस सब लोगों से, जितने भी व्यूवर्स हैं उन लोगों से दुआ की अपील है। वो तो जिस टाइम तक ये अपलोड हो जी ना, उस टाइम तक अजी हो जी हो सा फाइव में, तो हां और फिर ना किसी उसने स्क्रिप्ट लाया और जो भी अपडेट कर सो उस क्लास में इतने लिखी थे ना, इफ फिंगर टचेस इसमें टैग तो ये डीप जंप जैसा, मतलब इसमें जंप कर सो ना ताकि उसे बचत दो या तो साइड को बचत दो, अगर इसमें लग सो ना तो एकदम ही तुझे मार दे। जब आपका प्रोजेक्ट रन ना हो रहा फिर यही होता है। क्या बात है जी, क्या बात है। एक बार और लगाएं सर, एक बार और लगाएं, एक बार दोबारा लगाओ। ओए नो नो, ब्राउ ब्राउ शाबा। और बंद कर अलार्म दोबारा कर यार, इधर अपना बर्थडे को दिल्ली कर रहा भाव, उन वाले में इंटरेस्ट आ रहा है। इधर इनका प्रोजेक्ट रन हुआ है भाई साहब, खुश है। नॉलेज की दीवार रट्टा मार, रट्टा मार, चढ़ जाए। 2 hours later. गुड, साग प्रोजेक्ट हो गया? अच्छा भाई, परिजात की टोर आ गई है जी। आओ जाएं यार, कुछ खा पिए हैं, कुछ खा पी आते हैं भाई, साग के पैसों का। आओ साग, हमें क्या खिलाओगे आज? हम जो है ना, क्या नाम है, आज हम बड़े मूड में, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? क्या क्या, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दो आप हमें, क्या चाहिए? रियो बिस्कुट, ओके। और क्या बिस्कुट आपको? यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स कितने हुए अभी मौजूदा रहना है? 30 है। बिस्कुट बहुत अच्छा। क्या बोला तूने? फ्लैशबैक। मुझे ये वाला बिस्कुट अच्छा लगता है, सोचो इसकी दाढ़ी नहीं हो तो बस ला ना दाढ़ी ला, अलग बंदा ऐसा लगता है दाढ़ी के। अरे जी हम दे आए हैं जी अपना फाइनल ईयर, वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं कुछ कहते हैं, बस दे आए हैं माशाल्लाह से। डिफेंस योर डे बाय बाय डे, जो भी था दे आए हैं, बस हो गया। क्यों फैजी भाई, एम आई राइट? अब चलते हैं कुछ खा पी लें यार जाके, इनके पैसों का इंशाल्लाह। यार रिपोर्ट का हालात देख लो, खैर अपन आए थोड़ा खा पी लेते। हाय 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 हाय, इसकी जरूरत ही, इधर आके बैठ गए ये लोग सारे, मेन्यू शेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। साग देख रहे तो ऐसे ऐसे तो मुझे सारा कुछ खिलाओगे आज। दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों ना डील करना होता। बिल्कुल सही, देख रहे हो इसकी ना, हर कोई अपनी मर्जी का सिलेक्ट करेगा, इसी वजह से मैंने खोला नहीं है, मुझे पता है। खोलना तो पड़ेगा, ये बैठे यार ऐसे करके करो यार ऐसे, हां ऐसे, ओए होए होए ऐसे तुम किताबें पढ़, ऐसे हम यकीन मानो इतने फोर्स हम किताबें पढ़ते ना तो आज हमारा कुछ बना होता। साग एक बार और प्लीज वेटर। इसके अंदर है क्या क्या यार, ये खुलता ही नहीं यार। वो ढूंढ ले, खा पी ले, कोई मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। वो सर क्या खाना है मुझे? बंद करो जी, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा मेरे को। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ये खाने पीने का व्लॉग इनके घर। ये कैसा है सर, बनाओ बनाओ। गरीब लोग, गरीब लोग के साथ गरीब लोग। पुरने पैसे
खैर खाने पीने के बाद यार हमारे दोस्तों के साथ वालों की जो थे उनको काले आ गए, क्योंकि यार उन्होंने चाहना था, उन्होंने अपने साथ के पार्टनर को उठा गया लाना था, क्योंकि यार हम ये कहता था हमारा वैवा जल्दी खत्म हो गया था, तो हमने वैवा दिया और चुप करके निकल गए खाने पीने के लिए, क्योंकि यार ये इस तरह के इवेंट जब आते हैं तो खाना पीना तो फिर साथ बनता है। खैर खाना पीना खा के हम सब अपने अपने घरों को चले गए, और कुछ उसमें थे यार जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना था, उनका छोटा मोटा काम था तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे, और हम घर आ गए और घर आके हम मौसम इंजॉय कर रहे हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रही डेली कंटेंट में डालूँ क्या, क्योंकि यार मौसम इतना प्यारा हुआ है, मेरा दिल करता है यार कहीं जाऊँ बाहर घूमने के लिए, बट ये कि फिर खतरा होता है कि यार कहीं बारिश लगी रस्ते में तो ख़राब हो जाना है। अब देखो ऐसे मौसम में अब हम क्या भरोसा करें, मुझे बताओ, मैं अगर बाइक लेके निकल जाऊँ भाई साहब तो बारिश हो जाए फिर हम क्या करें। अब ये देखो ये बारिश वाला मौसम है, बट बारिश हो रही नहीं है, बारिश होती है जी मगरब के बाद होती है या सुबह फजर के बाद होती है, तो फिर उस वजह से मैं किसी जगह जा भी नहीं पाता। खैर पिछले दिनों गया था वो एक तो बाई चांस हमारी लक अच्छी थी उस दिन कि उस दिन हमें रास्ते में बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, वरना अगर उधर बारिश हो जाती कि मनों में बड़ा ख़राब होना था, बट खैर कोई नहीं। और अब देखते हैं यार कुछ और किस जगह का सीन बनाते हैं, बस ये किस तरीके से थोड़े थोड़े बादल कम हो जाए ना फिर इसके बाद कुछ सीन बनाते हैं किस जगह जाने का, बट समझ नहीं आ रही यार हम डेली कंटेंट डालेंगे। हाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह से दे दिया है जी स्कूल से, अब ये कि कुछ दिन रह गए यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि यार कौन उठ के जाए यूनिवर्सिटी वो भी इतने प्यारे मौसम में।